सुबह का टाइम तो दुकान नहीं मिलता यहाँ पर। अच्छा, दुकान नहीं मिलता, इतना भीड़ होता है। एक एक घंटे तक नंबर लगाना पड़ता है यहाँ पर। अच्छा, एक घंटे का वेटिंग टाइम होता है सुबह के टाइम? एक घंटे का कम से कम। तो अभी हम लोग शाम के वक्त हैं, थोड़ा खाली टाइम है, मॉर्निंग में आइएगा। 12 बजे था बुरा हाल। 12 बजे बुरा हाल था। 12 बजे आप आए नहीं, देखा नहीं आपने। 12 बजे आते तो हम लोग इसे बनते हुए देख भी नहीं पाते। देख नहीं पाते। तो अभी हम लोग हैं दिल्ली में, और दिल्ली के इस ट्रिप पे, दिल्ली के इस फूड टूर में ऐसे ऐसे जगहों को कवर कर रहे हैं जिसे पहले नहीं किए हों और जिसके बारे में काफ़ी सुन रखे हों। और ऐसे ही लिस्ट में से एक जगह है जिसका कि नाम है मायापुरी के फेमस छोले कुलचे। इसी स्पॉट को कवर करने आए हैं और देखने आए हैं कि जितना हाइप है, जितना सुने हैं, जितना तारीफ सुने हैं या जितना क्राउड होता है, क्या एक्चुअल में वैसा टेस्ट है। तो सबसे पहले जो बनने का प्रोसेस है वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे बनता है, क्या डलता है, सारा प्रोसेस जो है वो दिखाएंगे, फिर खाएंगे, टेस्ट बताएंगे। लोकेशन काफ़ी सिंपल सा है, मायापुरी में आप आइएगा। किसी से ये पूछिएगा कि मायापुरी का फेमस छोले कुलचे किधर रहे, कोई भी आपको बता देगा। बस हम लोग भी ऐसे ही पहुंच गए, गूगल मैप खोलने का भी ज़रूरत नहीं है। मायापुरी पर पहुँचिए, किसी से भी पूछिए कि छोले कुलचे वाला दुकान कहाँ है जो बहुत फेमस है, वो लोग आपको एड्रेस बता देंगे। मतलब शुरुआत की है इस दुकान की? दुकान की है, छोले कुलचे की शुरुआत ही मैंने करी थी ऐसे। अच्छा, दिल्ली में छोले कुलचे की शुरुआत ही आपकी है? जो इस तरीके के जो कुलचे बनते हैं वो मैंने ही बनाए हैं। अच्छा अच्छा, और कितने साल से हैं यहाँ पे? मेरे को तो 22-23 साल। और हम लोग ऑफ टाइम में आए हैं इसलिए आपको थोड़ा खाली खाली माहौल दिख रहा होगा, और ऑफ टाइम इसलिए आए हैं कि सारा कुछ अच्छे से दिखा सके, नहीं तो भीड़ के वक्त पॉसिबल नहीं था मेकिंग दिखाना, है ना भैया? भीड़ के वक्त पॉसिबल नहीं है मेकिंग दिखाना। अभी खाली है तो अभी देख पाएंगे अच्छे से, आराम से देखो। पीछे में देखिए, वो प्याज टमाटर जो है वो कट के आ चुका है। अच्छा, सबसे पहले डायरेक्ट तवे के ऊपर गया प्याज और टमाटर, कोई तेल वेल नहीं? तेल नहीं, तो बटर होता है सारा। अच्छा, सारा अमूल। तो तेल यूज ही नहीं करते हैं, रिफाइंड ऑयल, सरसों तेल, कुछ नहीं, सारा बटर। ये देखिए, ये जो है ये ऊपर से जा रहा है पूरा बटर। नेक्स्ट गया थोड़ा सा मसाला और धनिया। हेलो एवरीवन, तो आज आपको हम बताते हैं एविएटर गेम के बारे में, जिसे कि आप फोर रैबिट ऐप में गेम खेलकर रियल कैश अर्न कर सकते हैं। इस ऐप में बहुत सारे गेम्स हैं जिससे कि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए हैं। लिंक हम पिंड कमेंट में रखे हुए हैं, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और 700% का वेलकम बोनस जीत सकते हैं, जो कि 40,000 रुपीज़ तक है, जिसे आप लोग एविएटर और जेटेक्स गेम्स में यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को भी ये गोल्डन टिकट मिल सकता है मेरा लिंक यूज़ करके। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, बहुत जल्द IPL और फोर रैबिट जो है वो प्लान कर रहा है बहुत कूल सा प्रमोशन, जिसके बारे में जान के आप थ्रिल हो जाइएगा। बहुत सारा प्राइजेस जो है वो जीतने का मौका है, तो जल्दी से मेरे लिंक के थ्रू रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद हम यहाँ डिपॉजिट करेंगे 2500 रुपीज़, जो कि बोनस भी मिलता है हमको। अब हम आपको एविएटर गेम खेल कर दिखाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव और इसका रूल्स भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों को कैश आउट कर लेना क्लियर हो जाने से पहले। शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हम बैट करेंगे 2000 रुपीज़। हाँ, ऊपर जा रहा है। यस 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 गाइस, तो अभी हम लोग जीत चुके हैं 5180 रुपीज़। ये फिर से एक बार करते हैं, तो ये देख सकते हैं कि हमारा प्लेन ऊपर जा रहा है। ओहो ओहो, 5000 7000। ओ ओ ओ ओ, यस, तो देख सकते हैं कि हम लोग जीत चुके हैं 15,280 रुपीज़। तो गाइज, आप लोग भी इस तरह से रियल कैश जो है वो अर्न कर सकते हैं। अब हम अपना जो विनिंग है उसे विड्रॉ करके दिखाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और फास्ट है। तो ये देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में जो 16,000 था वो आ गया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो जल्दी से जाइए, रजिस्टर कीजिए, और अगर 24 आवर्स के अंदर आप मेरे लिंक के थ्रू रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलेगा 40,000 रुपीज़ तक का बोनस। तो जल्दी से जाइए और इन्जॉय कीजिए। ये गया नमक। ये हो गया, ये लाल मिर्च है ना जी, और फिर ऊपर से क्या गया, ये मसाले हैं, ये आपका अपना बनाया हुआ मसाला सब है जी। अच्छा, अब जाएगा और बटर, बल्कि वो ही है ना। ये क्या डाले हैं, पुदीना का पानी है? आप अदरक पुदीना वगैरह सब है। अच्छा, और ये छोले को बॉईल किए हुए हैं, छोला जो है देख सकते हैं कि बॉयल किया हुआ है, ऊपर से गया है अदरक पुदीना अपना सब कुछ मिक्स करके पानी बनाते हैं वो, और सब चीज़ को किया जा रहा है इसमें मिक्स। अभी आएगा थोड़ा सा नमक,
ये गया लाल मिर्च और नेक्स्ट उनका अपना बनाया हुआ मसाला। ये गया नेक्स्ट थोड़ा सा और पुदीने का पानी, पुदीना अदरक अदरक दो तीन चीज मिक्स है इसमें। चटनी कह लो इसे। हाँ हाँ चटनी कह लो, हाँ ग्रीन चटनी आप कह सकते हैं, ग्रीन चटनी। और ये जो सारा छोला था जिसके ऊपर की चटनी वटनी डाला गया था वो सीधे डाल दिया तवे के ऊपर। बीच में नीचे था प्याज व्याज का बेस, प्याज टमाटर का बेस, बटर थोड़ा मसाला और ऊपर से गया ये सारा छोला। ये भैया रेडी हो गया। अच्छा छोले जो है वो हो चुका है तैयार। तो इधर जो सारा छोले था वो हो चुका है तैयार, निकाल के साइड में रख रहे हैं। और अब इसी तवे के ऊपर जो है कुलचा का सेकाई होगा, उसे सेकेंगे और अब उसका टेक्निक जो है वो किस तरीके से किया जाता है ये दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से तवे को साफ किया गया, ऊपर आ गया प्याज, फिर से आएगा ये टमाटर। तो ये क्या कुलचे का तैयारी हो रहा है? कुलचे का फिर से जाएगा बटर। इसमें भैया कुलचा बनाइएगा जी सर। अच्छा तो छोले का भी सेम प्रोसेस, कुलचे का भी सेम। अच्छा प्याज गया, टमाटर गया, बटर गया और ये सब तामझाम जो है ये सिर्फ छोले के लिए नहीं, छोला ऑलरेडी बन चुका है, ये हो रहा है कुलचे के लिए। इसी में कुलचा को थोड़ा तड़का लगाते हैं, सेकते हैं और तब देते हैं खाने के लिए। वो आ गया कुछ इनका अपना छुपा हुआ सीक्रेट मसाला और इधर आ गया हरी मिर्च। ये देखिए ये फ्राई किया हुआ ग्रीन चिली, ऊपर से जाएगा नमक, लाल मिर्च और ये कुछ मसाला। फिर से गया थोड़ा सा ऊपर में बटर, बिल्कुल जैसे छोले में काम हुआ है उसी तरीके से काम हो रहा है ये कुलचे में भी। आप लोग यहाँ मतलब रेगुलरली खाते हैं? हाँ सर यहीं आते हैं हमेशा। हम इधर के ही रहने वाले हैं? हाँ यहीं की मायापुरी के ही हम। अच्छा तो हमेशा आके खाते हैं, कैसा रहता है यहाँ टेस्ट? जी स्वाद है इनके खाने में। मतलब आप लोग के हिसाब से दिल्ली का बेस्ट छोले कुलचे है? बेस्ट मायापुरी के सबसे स्पेशल कुलचे यही मिलते हैं। तो कस्टमर फीडबैक आप सुन लीजिए। इधर देखिए प्याज को साइड कर दिया गया और जो है अब यहाँ पर होने वाला है कुलचा का सेकाई। नेक्स्ट देखिए कुलचा जो है ये आ चुका है और इसी तरीके से यहाँ प्याज में कुलचे को सेक के देते हैं। इस यही USP है शॉप की और इसी वजह से इतना फेमस, इसी वजह से इतना क्राउड होता है। अभी आपको थोड़ा कम क्राउड दिख रहा होगा, अभी भी लोग हैं बट अभी थोड़ा कम क्राउड दिख रहा होगा, सुबह के टाइम में और ज़्यादा क्राउड होता है। सुबह के टाइम में और ज़्यादा क्राउड होता है, सुबह के टाइम तो दुकान नहीं मिलता यहाँ पर, दुकान नहीं मिलता इतना भीड़ होता है। एक एक घंटे तक नंबर लगाना पड़ता है यहाँ पर। अच्छा एक घंटे का वेटिंग टाइम होता है सुबह के टाइम? एक घंटे का कम से कम। तो अभी हम लोग शाम के वक्त हैं, थोड़ा खाली टाइम है, मॉर्निंग में आइएगा। 12 बजे था बुरा हाल, 12 बजे बुरा हाल था। 12 बजे आप आए नहीं, देखा नहीं आपने। 12 बजे आते तो हम लोग इसे बनते हुए देख भी नहीं पाते, देख नहीं पाते यहाँ। इसी वजह से थोड़ा हम लोग लेट आएंगे, सारा कुछ अच्छे से आपको दिखा सके कि कैसे बनता है यहाँ का छोले कुलचे। अब देखिए पूरा प्याज में लगा के कुलचे को अच्छे से सेका जा रहा है। नेक्स्ट गया ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता और ये कुलचा हो चुका है तैयार। सीधे डालेंगे प्लेट में, छोला उधर निकला हुआ है और सीधे कर देना है सर। एक प्लेट भैया हम लोग अभी निकाल दीजिएगा। तो इधर हम लोग भी अपना छोले कुलचे जो है वो निकलवा रहे हैं और खा के आप टेस्ट बताते हैं। उधर देखिए उधर आ चुका है छोले, साथ में है अचार, हरी मिर्च और ये आ गया फ्राई किया हुआ कुलचा। दे रहा हूँ आपको। ऊपर से जाएगा ये देखिए थोड़ा सा जाएगा बटर। पूरा अमूल लगा दें वो पूरा, ये सारा काम अमूल बटर में ही होता है, कोई तेल रिफाइंड कुछ नहीं। तो इधर आ चुका है हमारा दिल्ली का मशहूर मायापुरी का बहुत ज्यादा फेमस छोले कुलचे, ये देखिए।
क्या फ्लफी सा ये कुलचा, आ हा, ये मुलायम फ्लफी सा एकदम पतला पतला कुलचा, अच्छे से इसमें मसाला वसाला लगा के दिए हैं, साथ में भी ये प्याज जो है ये दिए हैं फ्राई करके, प्याज टमाटर सब कुछ है। ये देखिए ये जो है ये दिए हैं अचार, ये दिए हैं हरी मिर्च, और ये हो गया छोले, ये हो गया नॉर्मल कच्चा प्याज, और ये हो गया नींबू, ये है कंप्लीट पैकेज। 60 रुपये का ये पूरा पैकेज है, फटाफट से करते हैं ट्राई। लकीली हम लोग शाम का टाइम आए तो ईजिली सारा काम हो गया, कोई धक्कम धुक्की भगदड़ मचना भीड़ में घुसना ये सब नहीं हुआ है। ये देखिए ये हो गया कुलचा, ये कुलचे के साथ करते हैं इस छोले को ट्राई। सबसे पहले कुलचा जो है इसमें कोई खास मसाला नहीं है, इसमें जो हम लोग चाट वाला छोला खाते हैं ना वैसा टेस्ट आ रहा है, हल्का इसमें लाल मिर्च का तीखापन, और वो जो अपना वो भुना हुआ जीरा वगैरह डाले हैं हमको लगता है, जो वो सीक्रेट मसाला था वो भुना हुआ जीरा टाइप का कुछ था उसका टेस्ट, और तीखा है, बहुत मसाला नहीं है बट तीखा है ये छोला, साथ में हल्का हल्का टमाटर का चंक। अब आते हैं कुलचे पे, कुलचा जो है बहुत मुलायम, बहुत मुलायम, ये रोटी ऐसा लग रहा है, एकदम रोटी ऐसा मुलायम सा कुलचा, पतला सा कुलचा, इस तरह का कुलचा आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। अब देखिए ऐसे लगाते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा लेते हैं ये प्याज, ये जो प्याज टमाटर फ्राई करके दे रहे हैं ये टेस्ट को बढ़ा रहा है, और इनका जो कुलचा है ये भी फीका फीका नहीं है, सिर्फ कुलचा भी आप ऐसे लेके तोड़ के खाइएगा प्याज टमाटर के साथ ऐसे। ये भी मज़ा देगा ऐसा, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत हाइप सा जगह है, बहुत पॉपुलर सा जगह है, बहुत भीड़ वाला जगह है, और एक्सपीरियंस भी ऐसा नहीं है कि आके बुरा मिला या फिर ओवर हाइप सा कुछ लगा, अच्छा लगा, रेट के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी लगा, तीन कुलचा दे रहे हैं, छोले दे रहे हैं, सलाद वाला सब कुछ दे रहे हैं, अच्छा लगा। ख़त्म करते हैं वीडियो, इन्जॉय करते हैं छोले कुलचे को, वेज वाला व्लॉग था, कॉमेंट कीजिए बताइए कैसा लगा, थैंक यू सो मच।